तो पूरा चला गया, तो सी तो नहीं लिखूंगा मैं इधर, करेक्ट। बी थ्री के बाद क्या गया? सी चला गया, डी में कितना बचा? अरे डी में तो कुछ गया क्या? नहीं, नहीं, डी एज इट इज। डी कितना था? थ्री ई में से एक गया और एफ थ्री में से एक गया, कोई थ्री डाउट? नो सर, तो एक बात बताओ, ये आ जाएगा ए 3/4, B3, E3, F3, कोई डाउट? चार से मल्टीप्लाई कर दोगे, तीन से डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा AB4, D4, E4, F4। ये तुम्हारा नया आंसर होगा, गेटिंग इट? सर आप एक बार बता सकते हो कि ई में से वो दो क्यों नहीं निकले, क्योंकि मतलब वो दो जो टेट्राहेड्रल निकले वो तो ऑल्टरनेट ही है ना। हाँ तो बेटा एक बात बता, अगर यहाँ पे ई ऊपर है ना, तो यहाँ पे ई नीचे आएगा, करेक्ट। तो इस जगह पे जो ई आएगा वो ऊपर आएगा ना बेटा, टॉप डाउन टॉप आएगा ना, हाँ, तो कैसे जाएगा? एफ जाएगा ना उसमें से। सर सॉरी, एक गाइस, हाँ बोलो। समझ गया सर। ठीक है, ओके गाइस, आगे चलें। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर फोर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से निकालोगे तो क्या क्या जाएगा? फेस सेंटर वाला जाएगा, बॉडी सेंटर वाला जाएगा, फेस सेंटर वाला जाएगा, राइट? सर फेस सेंटर में से ऊपर वाला फेस सेंटर गया, नीचे वाला फेस सेंटर गया, कितने बी चले गए? तीन में से दो दो। उसके बाद सी पूरा उड़ गया, उसके बाद डी कितने थे? हाउ मेनी डी वर देयर? थ्री। थ्री E4, F4, कोई सर, बी में से दो गए ना, थ्री बेटा एक बात माइनस बता, फोर। कंट्रीब्यूशन कितना है बी का? अच्छा, हाँ हाफ है सर, सॉरी। ए गाइस, समझ में आई बात? चले आगे, पता लग गया क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। हाँ सर, चलो ग्रेट। मतलब वो पोजीशंस पता करने के लिए यूज होता है ना बस। हाँ दो वर्ड्स भी जाएंगे ना? हाँ दो वर्ड्स भी जाएंगे, मतलब समझा नहीं मैं, दो वर्ड्स भी जाएंगे ना मतलब। सर वो फोर फोर वाले में सर वो चार वॉइड्स भी चले जाएंगे ना सर। कौन नहीं से सॉरी चार सॉरी वर्ड्स, सॉरी सॉरी कौन से चार वर्ड्स जाएंगे बेटा? सर, मैंने वो गलती से एक्सिस नहीं प्लेन को कंफ्यूज कर दिया सर। ओके एक मिनट। हाँ ये तुम्हारा वन नोट ने धोखा दे दिया है। स्टार्ट हो रहा है दोबारा से स्क्रीन हाँ पे सर, सर तो। रेड अरे वाला ले आओ ना, नहीं आ रहा बेटा, नीचे वो जूम का जो नया एनोटेशन है ना, इट इज नॉट सपोर्टिंग इट। सी इट बिकम वेरी स्मॉल, लाइक बीच में लैग करेगा ये थोड़ी देर के बाद, ये पॉइंट है। ओके गाइस लिसन, वेयर वी वी हैव डन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, राइट? नाउ ऑल द आयनिक क्रिस्टल्स हैव बी वी हैव डन। नाउ लिसन, देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी हैव टू डू। पहला है तुम्हारा ब्रैग्स इक्वेशन, व्हाट इज द ब्रैग इक्वेशन?
बाय दिस इक्वेशन द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है, हाँ, आफ्टर दिस सिमेट्री. सर पेन की थिकनेस थोड़ी कम कर सकते हो क्या? फिर पॉइंट नहीं दिखेगा बेटा, क्या हुआ इसमें, परेशानी हो रही है? सर लाल वाला पॉइंटर है ना अभी? रुक जाओ, गिव मी अ मिनट. या ओके, आई विल ट्राई, गिव मी अ मिनट. ओके, नाउ पता है क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर, व्हाट वी डू, हमें पता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर यू हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री, करेक्ट? हाँ, तो ये सपोज डिफरेंट लेयर्स हैं क्रिस्टल के, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्रिस्टल, कोई डाउट? सबके नहीं बीच में डिस्टेंस जो है, सबके बीच में जो डिस्टेंस है, दे आर इक्वी डिस्टेंस, राइट? अरे हाँ, या ना, हाँ सर, एवरी लेयर हैव अ इक्वी डिस्टेंट ओवर हेयर. अब मुझे पता है हर एक लेयर के पास ना एक लॉट लॉट ऑफ एटम्स आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री लाइक दिस, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहेगा जहाँ पे एटम्स अरेंज रहेंगे, तो दिस फॉर्मिंग लेयर टाइप स्ट्रक्चर, तो किस लाइन सॉलिड है ये, बिकॉज रेगुलर ज्योमेट्री या रेगुलर इंटरवल के बाद तुम्हारे पास एटम अपेयर हो रहा है, कोई डाउट इसके अंदर? अब सर पता है जो मैं हम क्या कर रहा हूँ. हाँ, प्रीवियस क्लासेस में ऐसे सर्कल्स बना बना के ऊपर से देखते थे, ये हम क्रॉस सेक्शन से देख रहे हैं ना, मतलब उसे सब लेयर्स को हाँ सब. हाँ 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 अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना इसको मोनोक्रोमैटिक लाइट को, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, मैं इसको बम्बार्ड कर रहा हूँ इस लेयर्स के ऊपर, दिस इज पैरेलल मोनोक्रोमैटिक लाइट विच आई एम बम्बार्डिंग ऑन दीज लेयर्स, गेटिंग इट? अब वो जो पैरेलल मोनोक्रोमैटिक लाइट्स हैं जो कि इन लेयर्स के साथ बम्बार्ड कर रही हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दे आर बम्बार्डिंग ओवर इट, ठीक है, तो जो एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं अपने तरीके से देख रहा हूँ, ठीक है, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पे बनाना बहुत टफ है. एनीवेज आई डू हैव, सो आई हैव लेयर्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, लाइक दिस. मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को ना मोनोक्रोमैटिक लाइट के साथ बम्बार्ड कर रहा हूँ लाइक दिस. ये यहाँ पे आई, एटम था, एटम से रिफ्लेक्शन हुआ, अगेन एक पैरेलल लाइट आई, यहाँ पे आया, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, अगेन इस पैरेलल लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट किया, अगेन यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, एंड ये कम्स आउट लाइक दिस, कोई डाउट? तो जो भी एटम्स हैं मेरे पास इस लेयर्स के अंदर, वहाँ से
यही लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, हाँ या ना? ना अंडरस्टैंड वन थिंग, हम क्या कर रहे हैं, मुझे ना इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर लेयर डिस्टेंस चाहिए डी। मैंने ना एंगल अपने हिसाब से फिक्स किया, दैट इज थीटा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मैंने एंगल इस तरीके से फिट किया है ताकि जो ये दो लेयर्स, आप दो रेडिएशंस रिफ्लेक्शन के बाद जब इंटरफेयर करेंगी, दे विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। कैसे इंटरफेयर करेंगे, कैसे इंटरफेयर करेंगे गैस? ये तुमने तुम्हारा वो उसमें किया होगा, फिजिक्स किसके अंदर किसके अंदर किया होगा तुमने, फिजिक्स में यंग डबल स्लिट हाँ एक्सपेरिमेंट के अंदर, राइट? बाय डीएससी में हाँ हाँ, सर वाई डी एस सी के अंदर। तो एक बार हाँ बताओ, सर ध्यान से समझना, ये थीटा है राइट, तो सिमेट्री की वजह से ये भी थीटा आएगा राइट। हाँ देखा जाए तो ये जो रेडिएशन है वो इस तरीके से जाने वाली थी, करेक्ट, इस तरीके से, बट ये बेंड हो गई इतना, करेक्ट? हाँ ये देखा जाए तो ये भी थीटा होगा, हाँ या ना? तो एक बार बताओ, ये ऐसे जाने वाली थी, ऐसे जाने वाली थी, बट ये डिफ्रैक्ट हो गई, डिफ्रैक्शन हुआ, कितने एंगल से डिफ्रैक्शन हुआ? डिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग होता है ना, तो कितने सर एंगल से डिफ्रैक्शन हुआ? 2 थीटा। तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन अगर 2 थीटा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना निकलेगा? ठीक थीटा। डिड यू गेट दैट? ए गाइस, डिड यू गेट दैट? मैं क्या हाँ कर सर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ यहाँ पर, कोई डाउट? तुम्हें पता है परपेंडिकुलर इसलिए खींचा जाता है मुझे पाथ डिफरेंस पता लग जाए, करेक्ट? अरे हाँ या ना? हाँ सर ये डिस्टेंस डी है, ये रे और ये रे पैरेलल होंगे एक दूसरे के, हाँ, पैरेलल तो इतना डिस्टेंस सेम ही रहेगा। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस यस है और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये दोनों के हाँ बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो इतना ही आएगा, राइट? यस सर जब एक रे और दूसरी रे एडजेसेंट लेयर से डिफ्रैक्ट करती हैं तो उसे फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन और एक रे और दूसरी रे के बीच में अगर दूर 2D डिस्टेंस रहता है, मतलब जो सेपरेशन है वो 3 का रहेगा, तो पहला और तीसरे लेयर से डिफ्रैक्शन में जब इंटरफेरेंस होगा उसे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन तो इन दोनों लेयर के बीच में जो डिफ्रैक्शन हुआ इल बी लाइक फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ? सेकेंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सो ऑन, राइट? ना एक बात बताओ ध्यान से, ये जो है ये पाथ डिफरेंस है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शैल आई से दैट पाथ डिफरेंस शुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तभी कंस्ट्रक्टिव डिफरेंशिएशन होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सॉरी। अगर जब तक हाँ पाथ डिफरेंस एन एन लैम्डा के लैम्डा में मल्टीपल में हाँ नहीं होगा तब तक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नहीं होगा नहीं होगा, इतना समझ में आया? हाँ पाथ डिफरेंस कितना निकलता, मुझे बताओ पाथ डिफरेंस कितना निकल रहा है? ये डी है, डी साइन ये थीटा थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, राइट? तो ये दोबारा यस से क्या हो गया, थीटा हो गया, हाँ तो ये कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा, यस सर ये भी कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा तो शैल आई से दैट 2D sin थीटा, 2D sin थीटा इक्वल इज इक्वल टू एन लैम्डा, कोई डाउट? टू अगर N1 है तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, खुद सोचो ना, तुमने लैम्डा लिया, एन को वन लिया, ठीक है, एन को वन लिया, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय
टू साइन थीटा, कोई डाउट? टू साइन थीटा अच्छा एक बार बताओ, अगर पहला और तीसरे से आया तो पहले और तीसरे के बीच में डिस्टेंस कितना आया? 2d है ना, तो n का क्या लोगे तुम, n को क्या लोगे? 2 लैम्डा लोगे सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए, जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 4d sin थीटा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, राइट करेक्ट? तो यहाँ पे जो d आ जाएगा दैट इज 2 लैम्डा बाय 2 sin थीटा, कोई डाउट? तो ये जो d आया ये 2d के इक्वल होगा? अरे हाँ या ना, बिकॉज पहला और दूसरा है। करेक्ट, ये जो d आया वो मतलब अपने फर्स्ट ऑर्डर में जो लिखाना है उसका 2 टाइम्स होगा। फर्स्ट ऑर्डर तो ये एडजेसेंट लेयर का दे दिया, सेकंड ऑर्डर मतलब 1-3 लेयर का दे दिया, एक और तीसरी लेयर के बीच में, थर्ड ऑर्डर मतलब एक और चौथा, मतलब n की वैल्यू अगर 1 लूंगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम सेपरेशन आएगा, मिनिमम सेपरेशन मतलब एडजेसेंट लेयर्स, राइट? सेकंड मिनिमम मतलब 1-3, थर्ड मिनिमम मतलब 1-4, राइट? हाँ, तो मिनिमम डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 लैम्डा। जब मिनिमम डिफरेंस आएगा तो मेरे पास मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा दो लेयर्स के बीच में। हाँ, तो अगर एक बार बताओ इनको 2 डालोगे तो जो डिस्टेंस तुम्हारा आएगा वो 2d के इक्वल होगा? तो अगेन d कितना आ जाएगा? लैम्डा बाय 2 sin थीटा, बिकॉज़ ये d जो है ना दैट विल बिकम 2d, इट विल बिकम 4d sin थीटा, राइट? हाँ सर, वही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? d कितना आ जाएगा? अगेन लैम्डा बाय 2 sin थीटा, अंडरस्टूड? तो तुमको पता लग जाएगा कि जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स है दैट इज लैम्डा बाय 2 sin थीटा। जनरली क्या करते हैं ये लोग, थीटा की जगह ना एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन देते हैं, तो तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस यूज करना है, राइट? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? हाफ ऑफ डिफ्रैक्शन। हाँ ठीक है, अंडरस्टूड? सर निकालना मत, मिनट सर। हाँ सर, इस सेटअप में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा होगा ना? क्यों? हम नॉर्मल से मेजर करते हैं। अच्छा तुम वैसे देख रहे हो? नहीं, मैंने ना ये वाला एंगल लिया, केमिस्ट्री के अंदर ना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये लिया जाता है। अब मैं क्या करूं जब लिया जाता है? वो सरफेस से लगने के बाद वो फेस चेंज नहीं होगा उसमें? ए गाइस, लिख लिया इतना? सर वो फेस चेंज कंसीडर नहीं करे जब वो सरफेस पे लग के जाता है? फेस चेंज नहीं कंसीडर करे जब वो सरफेस से लग के जाता है, मतलब पहले वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जाता है तो फेस चेंज होता है? तो मैं काम करो, डिफ्रैक्शन मान लो इसको। क्या मानोगे? डिफ्रैक्शन। हाँ, फेस चेंज तो तब होता है जब 180 डिग्री जब जाता है। फेस चेंज तो तभी होता है जब 180 डिग्री जाता है, 180 डिग्री जाता है। ए, किसी भी उसके अंदर फेस चेंज तो तभी आएगा ना जब 180 डिग्री रिफ्लेक्शन मारेगा। हाँ सर, तो इसके अंदर थोड़ा ना जाएगा, राइट? लिख लिया? सही, एक मिनट।
सर हाँ बेटा सर वो उधर 4 d sin theta कैसे हो गया? क्या अच्छे सर राइट लोअर कॉर्नर में का वो बता, ये एक्चुअली जो पहली और तीसरी लेयर के बीच में डिस्टेंस है दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, वो कितना है? 2d। हाँ तो अगर मैं यहाँ पे d को 2d डालूंगा ना, अच्छा ठीक है सर। हाँ हाँ सर लेकिन वो अकॉर्डिंगली मतलब अच्छा ठीक है। हाँ सर समझे। एक क्लियर सर। ओके लिख लिया, चले आगे। एक मिनट, बट इसका यूज क्या होगा? अरे डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है बेटा ये, और क्या यूज होगा इसका? इजंट इट? हाँ सर, नहीं वैसा नहीं, मतलब प्रैक्टिकली जैसा क्या होगा इसका? प्रैक्टिकली जैसा क्या होगा? कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। प्रैक्टिकल, अरे प्रैक्टिकल भी वही यूज रहेगा ना यार। हो गया गाइस? हाँ सर ओके प्रैक्टिकल भी तो वही यूज रहेगा इसका सर। रिफ्लेक्शन में फेस चेंज होगा ना? रिफ्लेक्शन नहीं है यार, 180 डिग्री डिफ्रैक्शन है ये, ठीक है। N1 क्यों लिया? फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए। जब फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन होता है तब N1 लिया जाता है। ओके गाइस आगे चलें। अरे चलें आगे। सर एक बार ऊपर लेके जाना थोड़ा। लो जी लो, इसमें क्या ही है जो लिखोगे, हाँ सर ठीक है। अब एक काम करता है, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन HCP। HCP क्या होता है? एग्जामिनर क्लोज पैक। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पोजीशंस बताना चाहिए हेक्सागनल और सॉरी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का HCP के अंदर। सुनो भाई, ठीक है गाइस, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर ओके सुनो यार, SC बनाते हैं, ठीक है, एंड देन वील मूव अहेड। तो मैं पोजीशन बता दूं बस, कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा फिट हो जाए मामला। इसके सेंटर में तीन होते हैं, एक दो एंड तीन। ओके
is forming a triangle. Now listen, guys. ये तीन एटम ट्राइंगल बना रहे हैं. Yes, sir. ये एटम उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, राइट? तो ऊपर भी इसके तीन एटम होंगे ऐसा ही जो इसके ऊपर रेस्ट कर रहे होंगे. यार ये क्या बना रहा है? तीन ट्राइंगल बना रहे, एक एटम उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो एग्जैक्टली इनके बीच में क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड. इधर टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, राइट? इधर इधर ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसके ऊपर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. हाँ सर. मतलब देखा जाए हर एक एटम सेम ही है ना भाई. हाँ, ज्योमेट्री एससीपी सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? पता नहीं. अरे बोमू, जब भी कोई भी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल रहती है ना. रुको यार, एक चैट आया. सुनो अभी, प्लीज चैट बॉक्स यूज मत करो, ठीक है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन टॉक, ठीक है? बिकॉज आई कांट रीड द चैट्स विद दिस पर्टिकुलर थिंग. कहाँ था मैं? हाँ सुनो, हर एक एटम सिमेट्रिकल होता है ना, बट ये तुम्हारा व्यू रेफरेंस, अगर मैंने इसको कॉर्नर मान लिया तो ये फेस सेंटर हो जाएगा, राइट? याद है? अगर इसको लेयर ए मान लिया तो ये बी हो जाएगा, इसको बी मान लिया तो ए हो जाएगा. मतलब हर एक एटम सिमेट्रिकल है, करेक्ट? हाँ. अगर इस एटम के नीचे और ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहा है, तो हर एक एटम के नीचे और हर एक एटम के ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड आना चाहिए. अरे हाँ या ना? हाँ सर. तो एक बात बताओ, अगर इतना समझ में आया कि हर एक एटम के नीचे और हर एक एटम के ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड आना चाहिए, इन तीनों एटम के नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड आना चाहिए, इन एटम के ऊपर और इन एटम के नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड आना चाहिए, राइट? और एक अपना फेस सेंटर नीचे का छूट गया, तो इसके ऊपर और इसके नीचे भी टेट्राहेड्रल वॉइड होना चाहिए, करेक्ट? यस. यार एक बात बताओ, अगर इतना समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है, तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने क्या कहते हैं उसको, समझ रहे हो ना? ये जो एच सेंटर एच के में कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है? एक सेकंड सर. ये कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है? दो, तीन. बेटा 120, पता है 120 एंगल बना रहा है ये. गधो, कितना एंगल है? तीन. तो कितने यूनिट सेल कवर करेंगे 360 में? कसम से, मतलब तुम फिर से चार्ट बॉक्स यूज कर रहे हो. तीन. तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? वन थर्ड. तो ऐसे वन थर्ड कितने कितने एजेस हैं इसके अंदर? अरे कितने हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना? हाँ. 12 टेट्राहेड्रल वॉइड है ऐसे, करेक्ट? हर एक का कंट्रीब्यूशन yes. कितना है? वन थर्ड. तो कितना आया? अरे बदतमीजो, कितना है? 4. तीन एटम बीच में, तो हर एक एटम के ऊपर और नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो कितने? 6. तीन एटम्स हैं तो दो, कितने आएंगे? 6 आ जाएंगे, प्लस 2, करेक्ट? अब इसके ऊपर और इसके नीचे कितने? 2. दो और, तो दो और, तो टोटल कितने आए भाई साहब? 12. मैंने क्या कहा था, जब नंबर ऑफ एटम 6 होंगे तो बाकी सब कितने आ जाएंगे? गेटिंग अ पॉइंट? अगर टोटल नंबर ऑफ एटम एससीपी के अंदर 6 होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आएंगे? 12. बात समझ में आई? ये कौन सा लॉजिक हुआ? अरे यही एफसीसी का ये लॉजिक किया था ना हमने. 4 एटम है एफसीसी के अंदर, याद है तुमको ये लॉजिक किया था? चार एटम है, 4 ऑक्टाहेड्रल रहेंगे और 8 टेट्राहेड्रल रहेंगे बोले थे ना? हाँ बेटा, इसमें कितने एटम है अगर पैकिंग फ्रैक्शन सेम है तो?
उसका भी लॉजिक नहीं समझा था सर। अरे बेटा हमने जब एफसीसी स्टडी किया था तो उसके अंदर मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स, वी आर गेटिंग दैट मच और टेट्राहेड्रल वर्ड राइट, हमने कैलकुलेट किया था। लॉजिक क्या था उसका? लॉजिक हमने कैलकुलेट किया था, रूट थ्री ए बाय फोर में निकाला था, हमने कहा था 74% बैकिंग है तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल रहा है। हाँ पर वो तो ऑब्जर्वेशन हुआ ना कि मेरे को हमेशा ऐसा रिजल्ट आता है। चलो वो ऑब्जर्वेशन हुआ तो उस ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा कि हर एक एटम के लिए दो टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है, ये हमने वहां पे ऑब्जर्वेशन किया था करेक्ट। हाँ, वो एबीसी एबीसी पैकिंग था, ये एबी एबी पैकिंग था, देखा जाए तो सिर्फ लेयर को शिफ्ट किया था, पैकिंग सब कुछ सिमेट्रिकल था करेक्ट। जब उसका पैकिंग फ्रैक्शन और इसका पैकिंग फ्रैक्शन सब कुछ सेम आ रहा है, सिर्फ ऊपर की वॉइड की जगह नीचे के वॉइड में मैंने कुछ एटम्स डाल दिए, तो इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही रहना चाहिए जैसे एफसीसी में रहना चाहिए था। हाँ सर। हाँ तो उसमें एक एटम के लिए दो टेट्राहेड्रल वॉइड थे और यूनिट सेल में चार एटम थे, है ना? इसमें यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं? अबे एससीपी के लिए हमने कितने एटम्स निकाले थे यूनिट सेल में? छह निकाले थे राइट। बात समझ में आई तुमको गाइस? बात समझ में आई? चले आगे आगे चले सर। वो जो ब्लू है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना? हाँ हाँ, ब्लू जो था वो टेट्राहेड्रल वॉइड थे। अब बात पता है किसकी कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। सुनो यार जरा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को किस तरीके से एनालाइज करोगे इसमें? सर वो बीच में होगा ना, वो तीन के पता है क्या? हाँ ये तीन एटम्स है ना, ये तीन एटम्स आपस में मिलके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। पता है कैसे? ये दो एटम और ये दो एटम एक स्क्वायर बनाएंगे अगर ढंग से देखोगे तो। ये चिपक तो रहे, ये भी चिपके हुए हैं राइट। इन दोनों को मिलाओगे और इन दोनों को मिलाओगे तो स्क्वायर बनेगा। मैं तुमको रुक जाओ है ना, रुक जाओ। I'll do something nice with you. Give me a minute. I'll show you the hexagonal close packing here. कहाँ थे हम लोग? या एक मिनट है ना? हाँ चलो चलो बढ़िया। गाइस दिख रहा? अरे दिख रहा है ये? हाँ सर। हाँ सर। ओके अब मेरी बात सुनो ध्यान से इधर, ठीक है? इसके अंदर ये एससीपी के अंदर जस्ट लिसन टू इट, कि ये जो तीन सेंटर में है एटम, ये तीन सेंटर एटम है, ये दोनों एटम और ये दोनों एटम आपस में स्क्वायर बना रहे हैं एससीपी के अंदर करेक्ट। ये और ये स्क्वायर बना रहे हैं, ये जो एटम है और ये जो एटम है दूसरे एससीपी का आपस में, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो एग्जैक्टली इधर क्या आ रहा है मेरे पास? अरे भूमू चार स्क्वायर बना रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। यार देखो एक बात बताओ, ये जो तीन एटम है ये तुम्हारे लेयर बी के हैं राइट? इन दोनों एटम, अरे यार क्या चल रहा है, ये जो एटम है दोनों एटम आपस में क्या बना रहे हैं? स्क्वायर राइट। नाउ अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनो,
ये तीन आइटम ले लो जो एससीपी के अंदर है. एग्जैक्टली समझ में आया? हाँ सर, ये दोनों आइटम स्क्वायर, ये दोनों आइटम स्क्वायर बना रहे होंगे, ये दोनों आइटम और ये दोनों आइटम स्क्वायर बना रहे होंगे. हाँ हाँ सर, सर, वेरी गुड. ये दोनों आइटम पीछे वाले और ये दोनों पीछे वाले आइटम स्क्वायर बना रहे होंगे. हाँ जैसे ही स्क्वायर बनता है, ये बीच वाला आइटम और ये बाहर वाला आइटम, इसी लेयर का ये वाला आइटम, राइट, ऑक्टाइडल वॉइड बनाएगा. और ये ऑक्टाइडल वॉइड एससीपी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. तो देखा जाए, ये जो ट्राइंगल है वो मेन सोर्स है तुम्हारा ऑक्टाइडल वॉइड का. ये जो ट्राइंगल है, तीन आइटम है, इस ट्राइंगल का ये बेस लोगे, ऊपर वाले का दो एटम लोगे तो एक स्क्वायर बनेगा. जैसे ही स्क्वायर बना, उस स्क्वायर के बीच में एक ऑक्टाइडल वॉइड एग्जिस्ट करता है. गेटिंग इट? इधर हाँ ये दोनों आपस में स्क्वायर बनाएंगे हाँ लाइक दिस. वन सेकेंड, मतलब वो बी ये, लेयर से सब हो रहा है सर, हाँ मतलब हाँ हाँ ये दोनों और ये दोनों आपस में स्क्वायर बनाएंगे, राइट. फिर एक ही आइटम ये और एक आइटम बाहर इस साइड ऑक्टाइडल बनाएगा, करेक्ट. सर वो बाहर सिमिलरली वाला, ये सर वो बाहर दोनों वाला और कभी ये है ना, दोनों आपस में तो स्क्वायर सर बना रिजॉइन रहे नहीं होंगे, आता। करेक्ट. हाँ हाँ आ जाओ भाई, रिज्वाइन करके आ जाओ सर वो बाहर वाला पता ही ना क्या था। बेटा. ये वाला जो आटम है, ये लेयर है ना, हाँ तो एक आटम इसको ज्वाइन कर रहा होगा ना बाहर अच्छा अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सर, समझ ये. गया। हाँ, चलो रीज्वाइन करके आ जाओ, है ना.